अस्सलाम वालेकुम SLS स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज आपका काउंटिंग का थर्ड लेक्चर है। आप अपनी काउंटिंग की गो राइटिंग बुक निकालें और इसका पेज नंबर 2 ओपन करें। जी मदर्स, आपने बच्चे को ये पेज नंबर 2 ओपन करके दे दिया। सबसे पहले आप यहाँ पर आज की डेट मेंशन करें। आज की डेट है 3/6। आज हमने राइटिंग करनी है 0 पर। ये बिल्कुल इसकी शेप जो होती है, 0 की शेप सेम सर्कल की तरह होती है। हमने सर्कल पर ट्रेसिंग सीखी थी ना एक्सेल में, उसी तरीके से इसकी शेप भी सेम उसी तरह ही होती है, उससे मैच करती है। तो अब आपने 0 पर राइटिंग पता है कैसे करनी है, मैं अभी आपको सिखाती हूँ। और ये याद रखिएगा, काउंटिंग की राइटिंग भी राइट साइड से आपने स्टार्ट नहीं करनी, आपने काउंटिंग की राइटिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आप पेंसिल को इस तरीके से पकड़ें 3 फिंगर्स के साथ, इस तरह नीचे से, बहुत ज़्यादा नीचे से नहीं, थोड़ा ऊपर से। अब ये इसको फर्स्ट डॉट के ऊपर रखा, दबा कर पेंसिल को बुक के ऊपर रखना है और आराम से डॉट्स पर राइटिंग स्टार्ट करें। डॉट्स पर राइटिंग हमेशा आराम आराम से करते हैं, जल्दी जल्दी में नहीं करते, वरना राइटिंग अच्छी नहीं आती। ये मैंने राइटिंग करना स्टार्ट की, जहाँ जहाँ डॉट्स आ रहे होंगे आपने उसी तरीके से उन पर ट्रेसिंग शुरू कर देनी है। ये मैंने बना दिया 0। इसी तरह से ये देखें, मैंने फर्स्ट डॉट पे रखा और पेंसिल को चलाना शुरू किया आराम आराम से। ये जैसे डॉट्स जा रहे हैं, मैंने वैसे ही पेंसिल को चलाना शुरू किया, ये बन गया 0। आपने साथ साथ राइट भी करना है और साथ साथ रीड भी करना है, ताकि आपको पता चले कि आप किस नंबर पर राइटिंग कर रहे हो। ये इस तरह आपने फर्स्ट डॉट पे रखा और ये पेंसिल को इस तरह से चलाना शुरू किया, ये बन गया 0। ये फिर से देखें, ये आपने फर्स्ट डॉट पे रखा, ये डॉट्स पे राइटिंग की आराम आराम से, पेंसिल को दबा कर रखा बुक के ऊपर और ये बन गया 0। फिर से देखें, ये मैंने डॉट्स के ऊपर पेंसिल को रखा दबा कर बुक के ऊपर, ये मैंने राइटिंग स्टार्ट की डॉट्स के ऊपर, ये मैंने बना दिया 0। समझ में आ गई बच्चों? वेरी गुड। अब आपने इसी तरीके से 0 पर राइटिंग करनी है। अपनी मम्मा के पास बैठकर आपने इस फर्स्ट नंबर 0 से लेकर ये यहाँ तक 0 2 लाइंस आपने इन पर राइटिंग करके मुझे इसकी पिक्चर बना के सेंड करनी है। फिर मैं देखूंगी कि किस किस बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से अपना वर्क डन किया है। जो अच्छा वर्क डन करेगा उसको क्या मिलता है, आपको पता है ना? जी, उसको मिलता है स्टार। आपको स्टार चाहिए तो आप फटाफट मुझे अच्छी तरीके से अपना वर्क डन करके इसकी पिक्चर बना के सेंड करें। ठीक है बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।